नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी और पद से इस्तीफा देने की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी की महिला सांसदों को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पहलवानों ने महिला सांसदों से समर्थन मांगा है। जंतर मंतर पर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि यहां धरने पर बैठे हुए आज हमें 22 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी से कोई हमारे पास नहीं आया, कोई महिला सांसद नहीं आई। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो लोग हमारे इस दुख में शामिल नहीं हुए। कल यानी सोमवार को हम बीजेपी की महिला सांसदों को ओपन लेटर लिखकर उनसे मदद मांगेंगे। हमारे पहलवान उनके घर पर लेटर पहुंचाएंगे। पहलवानों ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत की हम महिला पहलवानों का भारत के पहलवान महासंघ के अध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। महासंघ के अपने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने कई बार पहलवानों का यौन शोषण किया। कई बार पहलवानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत ने पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर जा चुका था तो हमारे पास महिला पहलवानों की इज्जत के लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने अपने जीवन और खेल को एक तरफ रख दिया है और अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला किया है। हम पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अवलोकन के अनुसार उनकी शक्ति ने न केवल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बल्कि हमारी सरकार को बहरा और अंधा बना दिया है। महिला पहलवानों ने पत्र में आगे लिखा है कि सत्तारूढ़ दल की संसद की महिला सदस्य होने के नाते हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम आपसे हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। न्याय के लिए हमारी आवाज़ और हमारी गरिमा को बचाओ। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप लोग जंतर मंतर पहुंचने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब कांग्रेस में इस बात को लेकर गहमा गहमी तेज है कि राज्य का मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। बता दें, मुख्यमंत्री पद की रेस में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार, इन दो नामों की चर्चा जोर पर है। इस बीच कल रविवार को बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम का नाम तय करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे पर्यवेक्षकों की बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद वे अपनी राय आलाकमान के साथ साझा करेंगे और फिर आलाकमान अपना निर्णय सुनाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर कहा कि विपक्षी पार्टी चुनाव कभी नहीं जीतती, बल्कि यह सत्तारूढ़ पार्टी होती है जो चुनाव हारती है। और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित रूप से कर्नाटक में कांग्रेस की किस्मत बदलने में मदद की है। मनसे प्रमुख ने कहा कि नागरिकों को कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और राजनीतिक दलों को कर्नाटक के चुनाव नतीजे से सबक लेना चाहिए। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सदस्य विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा 66 और जेडीएस को 19 सीटें मिली हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की हुई बड़ी जीत को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। रविवार 14 मई को ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने जो फैसला लिया है उसने कांग्रेस को सत्ता दी है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में AIMIM को मजबूत करने का काम जारी रहेगा। बीते हफ्ते मणिपुर में मैतेई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद स्थिति सामान्य होने पर कल रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में मणिपुर कैबिनेट के 4 मंत्री समेत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन बैठक के बाद कहा गया है कि मुख्यमंत्री आज सोमवार सुबह इंफाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इस दौरान अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देंगे। वहीं बीते हफ्ते राज्य में भड़की हिंसा को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन यह मुद्दा बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच विभाजन को गहरा कर सकता है और दोनों समुदायों के बीच और अधिक संघर्षों को ट्रिगर कर सकता है। IPL 2023 के 61वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर कल के मैच में जीत अपने नाम दर्ज की।
145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी कोलकाता की टीम ने इसे महज 18.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।